हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक है इसमें इंट्रोडक्शन, फिर है इसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व, केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व द शॉर्ट रन केस एंड क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व द लॉन्ग रन केस, और नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है द एग्रीगेट डिमांड कर्व, द इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड पॉलिसी केन्जियन केस में और क्लासिकल केस में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो जो भी डिटरमाइन करना जाती है लेवल ऑफ आउटपुट का या प्राइस लेवल का, अगर डिटरमाइन करना जाती है, तो सबसे मेन, सबसे बेसिक टूल है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे क्रॉस होती है, वही प्राइस जो मार्केट में फिक्स होता है। जो एग्रीगेट सप्लाई होती है, यानी एस कर्व जो है, वो शो करता है उस क्वांटिटी को जिस क्वांटिटी पे फर्म्स जो हैं तैयार हैं गुड्स की सप्लाई करने के लिए एट अ गिवन प्राइस लेवल, यानी जिस जो प्राइस पर से गिवन है उस पर जो है वो आउटपुट करने के लिए, आउटपुट की सप्लाई करने के लिए तैयार है। और जो एक एक बात हमें अच्छे से पता है कि सप्लाई और प्राइसेस के बीच में आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। मतलब क्या है कि ज़्यादा प्राइस होगा, हायर द प्राइस तो ग्रेटर आउटपुट। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आ जाती है, तो सप्लाई जो है इस वजह से स्लोप अपवर्ड करती है, जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है। ये हमारा जो है ए एस कर्व दिखाई आपको दे रहा है, हमारा जो है एग्रीगेट सप्लाई का कर्व जो है वो अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड क्यों जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ाते चले जाते हैं। जो फर्म्स हैं वो विलिंग करती हैं हायर प्राइसेस पे ज़्यादा सप्लाई। ठीक है, अब आगे आती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, और हमें अच्छे से पता है एग्रीगेट डिमांड जो है उसका जो कम्बिनेशन होता है वो उल्टा होता है, यानी ज़्यादा प्राइसेस होंगे, ठीक है, तो डिमांड कम हो जाएगी, कम प्राइसेस होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब जैसे फिगर में है, फिगर में ए डी एंड ए एस कर्व है और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर। तो ई जो है ये हमारा प्राइस लेवल है, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल है, और वाई स्टार जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, और ये जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, इनमें से दोनों में किसी में भी अगर चेंज आए तो प्राइस हिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड जो है जो एडी से एडी वन आ जाती है, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये एडी से एडी वन आ गई। अब एडी से जब एडी वन आई तो अब ये ए एस कर्व यहाँ पे कट कर रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ा कि प्राइस जो है बढ़ गया, पहले से डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर सप्लाई में हो, मान लो सप्लाई में जो है रियल मनी में अगर जो इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा कि जो सप्लाई है वो घट जाएगी, और सप्लाई घट जाएगी तो भी प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि हमने दो कंडीशन यहाँ पे देखी कि, तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन देखी, एक हमने ये देखा कि अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है, और रियल मनी अगर बढ़ जाए, रियल प्राइस अगर बढ़ जाए तो उससे जो है सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ जाता है। तो दो कंडीशन में जब प्राइस जो इंक्रीज कर जाता है, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए या फिर अगर एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व केन्जियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है केन्जियन का, शॉर्ट रन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो सिचुएशन है, एक ए एस कर्व जो होगा, जो ए एस कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होगा शॉर्ट रन में, और वर्टिकल होगा लॉन्ग रन में। ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन बनती है एग्रीगेट सप्लाई की। चलो, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन केस में। पहली बात, हमें शॉर्ट रन का पता होना चाहिए। शॉर्ट रन के केस में फर्म्स जो होती हैं वो केवल अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से सिर्फ लेबर को हिला सकती है, लेबर को है कम ज़्यादा कर सकती है अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी वो ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, केन्स केन्स जो है, केन्स कहता है कि भाई जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा,
हॉरिजॉन्टल क्यों रहेगा? क्योंकि जो फर्म्स जो हैं वो जो एग्जिस्टिंग प्राइस है, जैसे कि पी स्टार एग्जिस्टिंग प्राइस है, उसी पे वो सप्लाई करना चाहते हैं जो भी गुड्स की डिमांड आए। और बेसिक आइडिया सिर्फ यही है कि भाई इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है और फर्म सिर्फ उतने लोगों को रखती है जितना उनको करंट वेज लेवल के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर जो कोई भी चेंज आता है, इवन विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, द एवरेज कॉस्ट जो है वो रिमेन अनचेंज ही रहती है। अब देखिए, जैसे कि फिगर है, ये दो फिगर है, एक फिगर ए एक फिगर बी। ये जो फिगर ए है ये शॉर्ट टर्म का इंजन का है, जिसमें कि जो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब प्राइस यही रहेगा और ये जितनी मर्जी जो है सप्लाई आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन है ये, यहाँ पे जो है ये वर्टिकल है, ये लॉन्ग रन में होता है वर्टिकल, क्योंकि प्राइस जो मर्जी होता रहे ये अपनी सप्लाई को जो है वहीं के वहीं रखते हैं, सप्लाई को नहीं हिलाते। तो थोड़ा सा देखते हैं, कहते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो फिनोमिना है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर फर्म्स जो है वो प्राइसेस चेंज नहीं करती, बेशक डिमांड भी चेंज होते रहे। क्यों? क्योंकि अपना आउटपुट नहीं बढ़ा सकते ना, आउटपुट बढ़ाने के पास जगह ही नहीं है। तो दे प्रेफर टू चेंज आउटपुट एटलीस्ट फॉर अ लिटिल वाइल द प्राइस लेवल। तो जो चेंज एग्रीगेट सप्लाई कंसर्न है वो कहता है कि भाई जो अफेक्ट नहीं करेगा जीडीपी को, कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। कौन कहता है? केन्जियन। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई का। क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहता है लॉन्ग रन की, पहले तो ये लॉन्ग रन में बात करता है। क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहता है कि जो सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल रहेगा, यानी खड़ा रहेगा। ये क्यों है? क्योंकि जो क्वांटिटी आउटपुट की वो सेम रहती है, यानी वाई स्टार रहती है, चाहे प्रोसेस कुछ भी होता रहे। और बेसिक एजम्पशन यही है कि वहाँ पे जो लेबर मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम है और जो है लेबर फोर्स है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है। ठीक है, अब सपोज करते हैं, मान लो सपोज करो एक मार्केट है, एक सिंगल मार्केट है, और उसकी जो है डिमांड इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है, उसके प्रोडक्ट का जो है प्राइस भी बढ़ जाता है। तो वो अगर अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहेगा तो जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको जो है ज़्यादा लेबर चाहिए होगा, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो जितने भी फैक्टर हैं वो उनकी जरूरत पड़ेगी उसको। तो जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो लोअर डिमांड सेक्टर से इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये इकोनॉमी वाइड इंक्रीज इन डिमांड है, अगर ज़्यादा हो जाए तो फैक्टर प्रोडक्शन के लिए, तो जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा, सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि वो फैक्टर प्रोडक्शन ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, तो वहाँ से छोड़ छोड़ के थोड़े ना आएंगे, मूवेबल थोड़े ना होंगे। तो सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा, और वेजेज ही बढ़ जाएंगी। कहता है लेवल ऑफ आउटपुट जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट से कॉरस्पॉन्ड करता है, लेबर फोर्स जो है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर फोर्स से कॉरस्पॉन्ड करता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी जो कि वाई स्टार है। ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम होता है, मान लो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है तो ग्रोथ दिखती है रिसोर्सेज की इकोनॉमी के अंदर, तो जो पोटेंशियल जीडीपी है वो भी ग्रो कर जाती है। जैसे कि फिगर 5.5 में दिखाया है, ओवर टाइम द क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट टू द राइट चाहे बेश। तो हम लोग कह सकते हैं कि भी ठीक है, जीडीपी में जो है हर साल चेंज आता है पोटेंशियल जीडीपी पे, लेकिन ये चेंज जो है प्राइस लेवल की वजह से नहीं होता है। जैसे ही हम लोग फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर में हमारी एग्रीगेट सप्लाई 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये बढ़ती जा रही है, ये जीडीपी हमारी पोटेंशियल जीडीपी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें कहीं पर भी प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं है। तो क्लासिकल थ्योरिस्ट यही बोलते हैं कि लॉन्ग रन में जो है वो जो है आपकी सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसमें प्राइस पर वो डिपेंड नहीं करती है, यही क्लासिकल थ्योरी वाले कहते हैं।